आज हम सीखते हैं बोट नेक ब्लाउज बैक हुक में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो खुला वाला है, ऐसे हम नॉर्मल ब्लाउज जो बनाते हैं वो बंद हिस्सा रहता है, जो बंद वाला पीछे रहता है, ये बैक हुक है। तो हमको खुला हुआ वाला अपने साइड से रखना है। कपड़ा का खुला हुआ वाला अपने साइड से रखना है, इसलिए कि बैक हुक है। सबसे पहले किनारे से एक लाइन दे देते हैं, नीचे मोड़ने के लिए 1 इंच के दूरी पे, 1 निशान दे दिए। फिर मेरा ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच, तो हमको 14.5 इसका लंबाई लेना है। जैसे वो ब्लाउज में हम लेते हैं आगे हुक वाला में, वैसे ही पीछे हुक वाला में रहेगा। इसमें सिर्फ ये रहता है कि मेरा खुला वाला हिस्सा मेरे तरफ रहेगा, इसलिए कि बैक हुक है। तो 14.5 पे हम सबसे पहले मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद ये बोट गला है, बोट गला में मेरा आर्म होल का जो निशान रहता है वो ऐसे नॉर्मल जो ब्लाउज रहता है उसमें हम 5.5 पे देते हैं, लेकिन ये 7 इंच पे आ जाता है। बोट गला में साइज के हिसाब से नहीं रहता है यहाँ पे गला देने का, ऐसे हम 2 इंच पे गला काटते हैं और 3 इंच कंधा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा बोट गला 5 इंच पे कटता है और इसका कंधा जितना हमको देना है, पतला रखना है तो छोटा पतला रखेंगे, थोड़ा सा चौड़ा रखना है तो चौड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरह से ये 2 इंच पे रहता है। यहाँ से हम 5 इंच लिए ये चीज और कंधा लिए 2 इंच। अब मेरा ये कंधा ये चीज जितना बढ़ेगा, जैसे ये हम 7 इंच पे आर्म होल का यहाँ निशान दिए हैं ये चीज, तो मेरा कंधा ही जितना इधर साइड से बढ़ेगा तो ये चीज मेरा नीचे चला जाएगा, ये निशान। 5.5 पे 2 इंच का जब हम लेते हैं और 3 इंच कंधा लेते हैं तो ये 5.5 पे नॉर्मल ब्लाउज काटता है, लेकिन यहाँ पे मेरा बोट गला है तो बोट गला में यहाँ नीचे का जो ये निशान देंगे, ये देंगे हम 7 इंच पे। अब ब्लाउज का नाप यहाँ है 38। गला बोट गला में 3 इंच 3.5 इंच पे रहता है, 1/2 इंच ऊपर से दब जाएगा और 3 इंच रहा। इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, जिसको बोट नेक में ही हल्का सा डीप चाहिए गला, वो 3.5 से नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ये 3.5 पे ही रहता है। यहाँ मेरा 38 का है तो 38 पे हम ले लिए और 33.5 है तो 33.5 पे निशान दे दिए। प्लेट के लिए 3.5 पे दिए। सब आगे हुक वाला ही जैसा ही रहता है, सिर्फ पीछे हुक वाले में
पीछे का ये जो रहता है खुला हुआ हिस्सा अपने तरफ आ जाता है बस, बाकी सब कुछ वैसे ही देना है। बोट गला में ज़्यादा कुछ नहीं है, गला जो रहता है नॉर्मल ब्लाउज में हम देते हैं 2 इंच का और बोट गला में हम 5 इंच देते हैं। 5 इंच से आपका ये बढ़िया से बोट गला निकलेगा। आर्म होल मेरा 17 इंच का है, यहाँ 17 इंच पे आर्म होल आ रहा है। अब इसको कट कर देना है। ये आपका बैक का रेडी हो गया। अब फ्रंट के लिए हम बंद वाला जो हिस्सा है, बंद वाला जो है वो अब हम अपने तरफ करेंगे। इस बैक वाले को इधर जिधर से मेरा बंद हिस्सा है इसको इस निशान पे, ये जो निशान हम दिए हुए हैं ये निशान को हमको थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ा के रखना है। यहाँ कर दिए, उसके बाद हाफ इंच की दूरी पे इसको हमको काट लेना है। एक बराबर इसी पर फिर हम आगे का भी पल्ला काट लिए। यहाँ देखिए अब इसको हम गला भी नहीं काटे हैं, गला सबसे लास्ट में। ये हो गया मेरा बैक का
अब इसका हम गला निकालेंगे, इसको कट कर देते हैं। ये मेरा निकला बैक का और फ्रंट का। इसको इसके ऊपर रख लिए। अगर हम चाहें, आप अगर चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा कम दे बोट नेक में, गला थोड़ा सा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, तो आप उसी हिसाब से दे सकते हैं। काटने का तरीका यही है। अब इसके बाद छोटा बड़ा वो तो आपके अनुसार है कि आपको क्या चाहिए। यही तरीका है, आप बोट गला निकाल लीजिए। फ्रंट में आगे का प्लेट देंगे। जब हम प्लेट देंगे तो 10.5 यहाँ डॉट आना चाहिए, 10.5 के नीचे से मेरा प्लेट आना चाहिए। एक प्लेट यहाँ, फ्रंट का पल्ला में, आगे का पल्ला में हल्का सा आर्म होल में हल्का सा छटता है, 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं। ये हो गया मेरा। अब एक प्लेट यहाँ आ गया, एक प्लेट यहाँ आ गया। इसको आप निशान इस तरह से दे दीजिए कि अगर आप सिलने बैठे तो दिक्कत नहीं हो। ये हुआ बोट नेक। अब मेरा आगे का, पीछे का फ्रंट दोनों कट चुका है। अब इसका कपड़ा ये है, तो इसमें देखना है कि उल्टा सीधा कौन है, प्लस इसमें ये फूल बना हुआ है, तो ये भी देखना है कि ये किधर साइड रहना चाहिए। तो जिस तरह से हम अस्तर रखे थे, ठीक उसी तरह से इसको हम आगे रखेंगे, खुला हुआ वाला हिस्सा अपने तरफ कर लिए।
और ये हम इधर से अस्तर रख करके कट कर लेंगे। ये कट हो गया, अब इसको हम घुमा लिए। फिर जिधर बंद हिस्सा है इधर बंद है, लेकिन इधर फूल उल्टा हो रहा है, तो आगे का फूल उल्टा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। पीछे का ध्यान देना चाहिए क्या है सीधा उल्टा। तो अब ये हम रख लिए फ्रंट का, ये भी देखना है कि मेरा बांह भी निकल जाए इसमें। बांह मेरा 13 इंच का है तो इधर 13 इंच निकलना चाहिए। फ्रंट का, ये मेरा बैक का, ये दोनों कट चुका है। अब बांह कट करने के लिए फूल देख लेना है किधर तरफ से है। लंबाई 13 इंच है, मोहरी 11 इंच है। एक साइड से ले रहे हैं, इधर का जो आपका कपड़ा बचा वो ब्लाउज के काम में आ जाता है, सिलने के काम में। यहाँ मेरा 12 इंच आ रहा है तो हम 12 ही इंच पे लेंगे। 17 इंच आर्म होल है, 17 इंच लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच ले रहे हैं डाउन करने के लिए आर्म होल। ये 17 पे यहाँ हम निशान दिए, यहाँ 11 पे निशान दिए,
पहले ये दोनों निशान को मिला देंगे। मिलाइए, फिर ये दोनों निशान को मिलाएंगे। थोड़ा सा इसको राउंड कर देते हैं। ये साइड हाफ इंच पे थोड़ा सा इसको कट करते हैं। ये मेरा बांह कट के रेडी है। ये हो गया बैक फ्रंट, हो गया ये बाजू।